Hi guys, this is Bharti and welcome to Dream Maths. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लिमिट्स. बहुत ईजी होने वाली आज की क्लास, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको. और आज कर रहे हैं हम फिफ्थ पार्ट. 1 to 4 पार्ट्स कर चुके हैं और मे बी एक या दो पार्ट्स आएंगे. एक में हमने राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है और एक में कॉन्टिन्यूटी, बस. फिर उसके बाद ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. तो करते हैं स्टार्ट फटाफट से. ये क्वेश्चन आज का बहुत ईजी है. अगर आज आप क्लास का जो कंसेप्ट बताया अच्छे से समझ लिया, आप सेकेंड्स में करोगे क्वेश्चन. जैसे अगर मेरे को इसका आंसर बताना है, दैट विल बी लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है. और अगर इसका आंसर बताना है लॉग ए माइनस लॉग बी होगा. जस्ट जैसे मुझे सेकेंड्स लग रहे हैं सिर्फ बताने में, आप भी सेकेंड्स में निकाल पाओगे अगर आपने आज की क्लास का कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है. कंसेप्ट क्या है, बहुत ईजी. जैसे कल एक आइडेंटिटी लिमिट की मैंने बताई थी, वैसे ही आज बताने वाली हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं. मैं जितनी मेन इंपॉर्टेंट लिमिट्स के फॉर्मुलाज, लिमिट्स की आइडेंटिटीज बता रही हूँ, स्टैंडर्ड लिमिट्स बता रही हूँ आपको, एक पेज पे नोट कर लो उसको और लगा लो, डेस्क के पास रख लो, कि आपको वो समझ आ जाए, उसको आपके आंखों के सामने बार बार आता रहे, तो आपको ये कभी भूलोगे नहीं लिमिट्स को, ठीक है. क्या है आज का फॉर्मूला, देखो ध्यान से. अगर कोई नंबर है ए, ठीक है, उसकी पावर एक्स ले रही हूँ मैं, माइनस वन कर रही हूँ और नीचे एक्स लिख रही हूँ, ठीक है, और लिमिट है एक्स टेंड्स टू जीरो, तो जो इसका आंसर है दैट विल बी लॉग ए. इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ए आएगा आपके पास. क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल सी चीज, कि अगर ए की पावर x माइनस वन हो रहा है और नीचे वही पावर वाला x है और लिमिट x टेंड्स टू जीरो जा रही है, तो इसका आंसर आपके पास लॉग ए आने वाला है. सिंपल सा कंसेप्ट. इसी कंसेप्ट के कारण मैं ये क्वेश्चन जस्ट सेकेंड्स भी नहीं ले रही थी, फटाफट से करके दे रही थी आपको, ठीक है. करवाऊंगे क्वेश्चंस, बहुत डिटेल में जाएंगे, पर ये चीज क्लियर है आपको. चलें आगे. हाँ जी, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट सेम है बिल्कुल, वहां पे था ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो. लेकिन अगर इस ए की जगह मैं ई कर दूं, मतलब ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो इसका आंसर वन आ जाएगा, ना कि लॉग. क्लियर है चीज. ए बहुत स्ट्रिक्ट है, इसे लॉग ही चाहिए, इसने लॉग ले लिया. ये बहुत शरीफ है, इसे लॉग की कोई जरूरत नहीं है, ये वन से ही काम चला लेगा, तो इसका आंसर वन आएगा. बिल्कुल सेम है, बट ए की जगह अगर ई आ जाए तो वन आता है, और अगर ए आए तो उसका आंसर लॉग ए होता है. क्लियर है ये चीज. ये आपके पास सेकेंड होगी और ये आपके पास फर्स्ट. इसको अच्छे से नोट कर लो, माइंड में बिठा लो चीज को, ठीक है. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं. देखो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर मुझे कैसे पता लगा. देखो, अब क्वेश्चन है मेरे पास लिमिट दिस अपॉन दिस, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन. फॉर्मूला में तो नीचे एक्स भी आता है जो पावर में होता है, सब कुछ सेम है, ठीक है. अब ए मैंने जनरलाइज लिया ना, ए भी हो सकता है इसकी जगह, बी भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है ना, ए जनरलाइज है, ठीक है. फॉर्मूला बताना था एक नंबर से, एक जगह थ्री भी हो सकता है, एक ही जगह फोर भी हो सकता है, कोई भी नंबर भी हो सकता है, ठीक है. आप देखो यहाँ पे ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन तो है पर एक्स नहीं है, बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन तो है पर एक्स नहीं है डिनोमिनेटर में. तो हमने क्या किया कि हमने ऊपर भी एक्स दे दिया और नीचे भी एक्स दे दिया. अगर हम एक साथ न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर को कोई चीज़ देते हैं तो वो बुरा नहीं मानते, ठीक है. दोनों को तो दिया, ऊपर वाले को भी दे दिया, नीचे वाले को भी दिया. बेसिकली क्या होता है, फंक्शन सेम ही रहता है अगर हम दोनों को सेम चीज़ दे रहे हैं. ऊपर भी एक्स दे दिया और हमने नीचे भी एक्स दे दिया, क्लियर है. इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स और इसके डिनोमिनेटर में भी एक्स, ठीक है. अब इसके बाद क्या करेंगे, मैंने इसे लिमिट तो दे दी. अब लिमिट को हम देखो डिवाइड है ना, ऊपर वाले को अलग लिमिट दे सकते हैं और नीचे वाले को अलग लिमिट. लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स और नीचे वाले को अलग, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी रेस बाय एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ताकि इनकी लड़ाई ना हो, दोनों को एक्स दे दिया, ठीक है. अब ध्यान से देखो, इसका आंसर, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं बन गई क्या, इसका आंसर लॉग ए नहीं बनेगा. ये वाली क्या हमारी आइडेंटिटी नहीं है, बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक नंबर है जिसकी पावर एक्स माइनस वन हो रहा है, एक्स है, नीचे माइनस वन हो रहा है और डिनोमिनेटर में एक्स है, उसका आंसर क्या आएगा, लॉग बी. मतलब इसका आंसर क्या बन रहा है, लॉग ए अपॉन लॉग बी. क्लियर है ये चीज. तो इसका जो मेरा आंसर आया है लॉग ए अपॉन लॉग बी, यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं दे रखी थी, उसमें एक्स मिसिंग था, तो मैंने नीचे मतलब जो न्यूमिरेटर था उसके भी एक्स दे दिया और डिनोमिनेटर को भी एक्स दे दिया, ताकि मैं ये रूल लगा के अपने लिमिट का आंसर निकाल पाऊँ. क्लियर है ये चीज. चले आगे. ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे भी ए रेस टू पावर एक्स माइनस बी रेस टू पावर एक्स अपॉन एक्स है और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है. अब ध्यान से देखना, ए रेस टू पावर एक्स
माइनस वन होता है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस वन तो है नहीं, अब माइनस वन कैसे दूं? अगर माइनस वन देना है तो प्लस वन भी देना पड़ेगा, हम एक साथ माइनस वन प्लस वन देते हैं तो फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो a रेस टू पावर x, यहाँ पे क्या है माइनस वन चाहिए, ले लो, बचा क्या माइनस b रेस टू पावर x प्लस वन अपॉन x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो a रेस टू पावर x माइनस वन, अब यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं, अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली टर्म्स के सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस बी रेस टू पावर एक्स है प्लस बी रेस टू पावर एक्स बन जाएगा, और ये प्लस वन है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर लिया ना तो माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, और नीचे तो हमारे पास एक्स ही रहेगा। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट, मैंने जस्ट प्लस वन माइनस वन किया क्योंकि मेरे फंक्शन में माइनस वन आता है, अब माइनस वन तो सिर्फ नहीं लिख सकती, साथ में प्लस वन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, अपनी मर्जी से एज सच कोई नंबर नहीं लिख सकते। क्लियर है चीज, चलें आगे। अब हमारे पास क्या बन चुका है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन माइनस बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाला एक्स है ना दोनों को अलग अलग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपके पास कभी भी ऐसे हो ना ए माइनस बी अपॉन सी, आप ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिख सकते हो, मतलब अगर नीचे कुछ लिखा है अलग अलग इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो मैंने कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट है ना बाहर, दोनों को माइनस हो रहा है, लिमिट भी अलग अलग दे दो। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बी रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। मैंने आपको अलजेब्रा में समझाया था कि अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, लिमिट भी उनको अलग अलग मिलती रहेगी, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या चुका है, ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन, दिस इज लॉग ए, अभी आपने आइडेंटिटी की है, और ये क्या है लॉग बी, तो मतलब इसका आंसर क्या बना, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो मैं इसको लिख रही हूँ लॉग ए माइनस लॉग बी, हमें पेपर में तो क्वेश्चन करके पूरा दिखाना पड़ता है, बट एक बार आइडेंटिटी पता हो तो आप खुद फटाफट से आंसर बता सकते हो कि हाँ इसका लॉग ए माइनस लॉग बी होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ माइनस है, लॉग ए माइनस लॉग बी ही होगा इसका, प्लस वन माइनस वन मैंने माइंड में ही कर लिया था। आपको एक बार देखो एग्जाम में तो पूरा करना ही ऑब्वियस ही बात है, लेकिन आंसर कंफर्म है, आप एग्जाम में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो। क्लियर है ये चीज, चलें आगे। अब ध्यान सुनो, लॉग ए माइनस लॉग बी यहाँ पे भी आंसर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर लॉग ए माइनस लॉग बी हो रहा हो, ये लॉग ए बाय बी होता है, ये बाय लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज होता है, याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी आप आंसर यहाँ तक भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी दो नंबर अगर लॉग में माइनस हो रहे हो ना, सिर्फ लॉग ए माइनस लॉग बी, तो वो होता है लॉग ए बाय बी, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने, चलो ये तो आइडेंटिटीज दो क्लियर होगी ना, अब आपको बहुत अच्छे से फटाफट से एक बार सम अप कर दूं कि अगर ए रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, ये लॉग ए होता है, और अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो वन होता है, ए स्ट्रिक्ट है, लॉग लेके ही मानता है, ई बहुत शरीफ बनता है, वन से ही मान जाता है। क्लियर है चीज, चले आगे। चलिए फटाफट से चलते हैं आगे, दो आइडेंटिटीज हो रहे हैं बस, और फिर आपकी क्लास आज की यहीं पर ओवर हो जाएगी, क्योंकि दो आइडेंटिटीज देखो आज मैं आपके लिए लाई हूँ, फोर आइडेंटिटीज, दो क्लियर कर चुकी हूँ मैं आपको, लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट्स दो अब बता रही हूँ, बस इतना सा काम था आज का। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स, डरना नहीं, देखो वन में एक्स ऐड कर रहे हैं, पावर वन बाय एक्स है और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो इसका आंसर होता है ई। क्या आपको मे बी अभी लग रहा हो कि इतना कुछ याद रखना है, नहीं इतना कुछ याद रखना नहीं पड़ता, आप जब क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको खुद से चीजें याद होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो अगर लॉग आ जाए, लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स हो, ठीक है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो हो, इसका आंसर वन आता है। लॉग का आंसर हमेशा, जो जहाँ पे लॉग वाला दिख जाए ना, ये माइंड में रखना, आंसर क्या आएगा वन, लॉग वाली आइडेंटिटी में आंसर वन आएगा, ये माइंड में रखना, ये याद रखने के लिए, ठीक है। ये ई क्यों लिख रही हूँ, लॉग में एक बेस होता है, जहाँ पे हम क्या लिखते हैं ई लिख रहे हैं, यहाँ पे लॉग टू द बेस ई वन प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या आता है वन आता है आंसर। ये इतना टिपिकल नहीं है जितना आपको लग रहा है लॉग देख के डर, ये बहुत ईजी है, ठीक है। फिर भी एक बार बता दूं, देखो पहले क्या था कि वन प्लस एक्स दोनों में आता है, उससे थर्ड वाली प्रॉपर्टी में भी, फोर्थ में भी, ये फोर्थ है और लास्ट वाली थर्ड थी, इसकी पावर अगर वन बाय एक्स हो,
लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, तो आंसर ई होता है, ठीक है ना। ये देखो मैंने यहाँ पे आपको करवाया। और जो ये वाला है, अगर इसी में लॉग लगा दिया जाए वन प्लस एक्स, लेकिन पावर नहीं, नीचे एक्स लिख रही हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, तो इसका आंसर वन होता है। लॉग टू द बेस ई है, लॉग टू द बेस टेन भी होता है, ये बेस ई है। क्लियर है चीज। इसको हम यूज करेंगे और अपने क्वेश्चंस करेंगे, इसको भी नोट करके रख लो। यही चार इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैंने कल दो बताई थी, मे भी एक तो ए रेस्ट पावर एन वाली बताई थी, हाँ एक बताई थी कल मैंने, तो कल एक बताई थी, फोर आज बताई, ये फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। स्टैंडर्ड में हम यही पांच करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते, क्वेश्चन देखते हैं। लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लिमिट एक्सटेंड टू वन। अगर हम फॉर्मूला याद करें अपना, तो यहाँ पे लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स होता है तो वन आता है, यहाँ पे तो एक्स है, वन प्लस नहीं है, है ना। और यहाँ पे लिमिट भी एक्स टेंड्स टू वन है, एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं है, तो मैं इस एक्स को वन प्लस वाई डाल रही हूँ कि मेरा ये वन प्लस कुछ वेरिएबल बन जाए। अगर आपको कोई फॉर्मूला कराया जाता है एक्स या वाई में, इसका मतलब ये नहीं वहाँ पे हमेशा एक्स आएगा, मतलब वहाँ पे कोई वेरिएबल आना चाहिए। कोई फॉर्मूला में ए लिखा, इसका मतलब ये नहीं वहाँ हमेशा ए आना चाहिए, ए की जगह बी सी डी या कोई नंबर भी आ सकता है, वो जनरलाइज सिर्फ फॉर्मूला के लिए कराया जाता है। तो अगर आपके पास वन प्लस कोई वेरिएबल है, नीचे वही वेरिएबल लिखा है लोग के साथ, इसका लिमिट का आंसर वन होता है। तो मैं इस x को 1 प्लस फॉर्म में लाने के लिए x को 1 प्लस y डाल रही हूं, ठीक है। अगर ये मेरा x 1 को जा रहा है, ठीक है, तो ये 1 को अगर जा रहा है, ये 1 इधर आके माइनस होगा, तो मेरा y क्या 0 को नहीं जाएगा। ध्यान से समझो, उसने कहा लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, ये 1 को जा रहा है, ये 1 इधर आके माइनस होगा ना, तो ये मेरा y किधर को जाएगा, 0 को, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो मतलब जब मैं x की जगह 1 प्लस y डाल रही हूं, तो मेरी लिमिट जो है y की, वो 0 की तरफ जाएगी। क्लियर है ये चीज। तो जो मेरा क्वेश्चन x में था, अब वो मेरा क्वेश्चन y में चेंज हो गया। यहां तक क्लियर है, चले आगे। चलिए log 1 प्लस y अपॉन 1 प्लस y माइनस y लिमिट y टेंड्स टू 0। 1 से 1 कैंसिल, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस वाई अपॉन वाई। अब ये आइडेंटिटी नहीं बन गई, देखो लॉग वन प्लस कोई वेरिएबल हो रहा है और नीचे वही वेरिएबल लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। क्लियर है चीज। तो इसका आंसर क्या आ गया, वन आ गया। जस्ट आपको इस स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करके आंसर निकाल सकते हो। इस चैप्टर में फाइव ही स्टैंडर्ड लिमिट्स करी है, चार आज हमने कर लिए हैं और एक हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, इसको नोट कर लो। पूरी लिमिट का चैप्टर भी नहीं किया ना, बस ये दो क्लासेस, ये फिफ्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट भी अच्छे से कर लोगे ना, आपका एक क्वेश्चन पक्का अटेम्प्ट हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है चीज, इसका आंसर क्या आ गया, वन आ गया। हमने किसका यूज किया, इसका यूज किया, इस स्टैंडर्ड लिमिट का, ठीक है। इनके प्रूफ्स आपके सिलेबस में नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू टू लॉग एक्स माइनस लॉग टू अपॉन एक्स माइनस टू। फिर से मुझे तो लॉग के साथ वन प्लस समथिंग चाहिए होता है, ठीक है, पर यहाँ पे लिमिट टू है, वहां पे तो ठीक है वन प्लस चाहिए था, मैंने एक्स को वन प्लस वाई पुट कर लिया था, क्योंकि लिमिट भी यहाँ पे जो एक्सटेंड्स टू वन था, पर यहाँ पे एक्सटेंड्स टू टू है, तो मैं यहाँ पे एक्स को वाई प्लस टू पुट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लॉग के साथ एक्स नहीं चाहिए, वन प्लस समथिंग चाहिए। फिलहाल के लिए मैं टू प्लस वाई कर रही हूँ, वाई प्लस टू, आगे वन बन जाएगा, देखते हैं कैसे, ठीक है। तो पुट करते हैं एक्स को वाई प्लस टू। अगर एक्स टू की तरफ जा रहा है, ये टू इधर आके माइनस होगा, मेरा वाई जीरो की तरफ ही आएगा। अगर मैं एक्स को वाई प्लस टू नहीं वाई प्लस वन पुट करती हूँ, तो मेरे पास लिमिट जो है वो वाई टेंड्स टू जीरो नहीं बनेगी। यही रीजन है मैंने एक्स को वाई प्लस टू पुट किया है, कि अगर टू इधर आके माइनस हो, तो ये वाला वाई मेरा जीरो की तरफ जाए। क्लियर है चीज। अब लिमिट y टेंड्स टू जीरो होगा, जहां जहां x है वहां पे y प्लस टू डाल दो, माइनस log टू y प्लस टू माइनस टू। क्लियर है ये चीज। अब क्या करूंगी, लिमिट y टेंड्स टू जीरो log y प्लस टू माइनस log टू, टू से टू कैंसिल, नीचे आ गया y। यहां तक कोई डाउट, प्रॉब्लम बहुत इजी है ये, बस आपको एक दो बार ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चले आगे। चलिए मेरे पास बन चुका है लिमिट y टेंड्स टू जीरो log ऑफ y प्लस टू माइनस log टू अपॉन y, अब बन गया था, है ना, प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया था। अब ध्यान से देखो, ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर log a इंटू बी हो ना, तो ये log a प्लस log b होता है, ये
नोट करके रख लो, और अगर लोग ए बाय बी हो ना तो वो लोग ए माइनस लोग बी होता है। देखो डिवाइड हो रहे हैं ना लोग के अंदर, तो अलग अलग लोग तो मिलेगा, बीच में माइनस आएगा। अगर लोग के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग अलग लोग तो मिल जाएगा लेकिन बीच में प्लस आएगा। यहाँ पे देखो लोग अलग अलग मिला हुआ है और ये माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब ये पहले डिवाइड हो रहे होंगे, तो मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया। ठीक है, लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो तो आएगा, क्लियर है चीज। देखो लोग ए माइनस बी, अगर यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां वापस भी तो आ सकते हैं, यहाँ पे लोग ए माइनस लोग बी हो रहा है, मतलब ये लोग ए बाय बी, मैं इसको लिख सकती हूँ, तो मैंने इसे लिख दिया लोग वाई प्लस टू अपॉन टू, नीचे वाई एज इट इज। ठीक है, तो बन गया लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो लोग वाई प्लस टू अपॉन टू, और नीचे आ गया था आपके पास वाई आया था, क्लियर है चीज। अब क्या करेंगे, देखो y प्लस टू को मैं लिख दूं, नीचे 2 है ना, y बाय टू प्लस टू बाय टू, मैंने आपको बताया था हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट इसको कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा log y बाय टू प्लस टू बाय टू, नीचे y और लिमिट y टेंड्स टू जीरो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बनेगा 1, तो मैं इसे लिख दूं log 1 प्लस y बाय टू, y बाय टू प्लस 1 लिखो या 1 प्लस y बाय टू एक ही चीज़ है, नीचे रहेगा y और लिमिट y टेंड्स टू जीरो, क्लियर है ये चीज़, बहुत ईजी है। अब ध्यान से समझना, मेरे पास बन चुका है लिमिट y टेंड्स टू जीरो log 1 प्लस y बाय टू अपॉन y। अब मेरे पास फॉर्मूला था लोग वन प्लस एक्स, जो वेरिएबल है नीचे एक्स होना चाहिए, यहाँ पे वन प्लस वाई बाय टू है, अगर यहाँ वाई बाय टू है नीचे भी क्या होना चाहिए वाई बाय टू, तो दे देते हैं नीचे वाई बाय टू, टू कैसे दे दूँ, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, अगर आप इसको प्लस करते हो तो माइनस भी करना पड़ता है, अगर आप खुद से कोई नंबर लिख रहे हो, अगर किसी को डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, अगर आप खुद से कोई नंबर वहां चाहते हो, मैं वाई के नीचे टू चाहती हूँ, मीन्स टू यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, तो टू यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्लियर है चीज। तो ये बन गया लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो लोग वन प्लस वाई बाय टू अपॉन वाई बाय टू, और ये वाला वन बाय टू मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये वाला टू y के साथ है ना, मतलब ये वन बाय टू है ना, देखो यहाँ पे y के साथ है, y किसी के डिनोमिनेटर में है, मतलब y के साथ ही लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई करके अलग सा दिखा दिया क्योंकि मुझे ये फॉर्मूला में नहीं चाहिए। अब इसका जो आंसर है ना, देखो इसका पूरे का ये जो इसका आंसर है, इसका आंसर होता है दैट इज वन, क्योंकि अभी आपने देखा log वन प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट x टेंड्स टू जीरो वन होता है। अब आप कहोगे यहाँ तो y बाय टू है, यहाँ पे लिमिट y है, अगर y टेंड्स टू जीरो हो रहा है y बाय टू भी जीरो को ही टेंड होगा, तो फर्क नहीं पड़ता y टेंड्स टू जीरो लिखा है या y बाय टू टेंड्स टू जीरो, इसका आंसर वन ही बनना है। तो मेरे पास जो फाइनल बना दैट इज वन इंटू वन बाय टू, आंसर आया वन बाय टू, तो इसकी जो लिमिट का आंसर है दैट इज वन बाय टू। आई होप आपको क्लियर है, इसको टाइम लगेगा, आपको दोबारा देखना पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्लियर है चीज, लेकिन मुश्किल नहीं है। हमने पहले सबसे पहले x को y प्लस टू किया और लिमिट y टेंड्स टू जीरो किया, फिर हमने log a बाय b पुट करा, log a माइनस log b को, नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया कि y बाय टू मिल जाए, वो 1 बाय टू अलग हो गया, उस लिमिट का आंसर 1 आ गया और हमारा फाइनली आंसर 1 बाय टू बन गया। अगर आप कंसेप्ट से समझोगे, आपकी भी टिप्स पे क्वेश्चंस होंगे जैसे कि अब मेरे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस की हुई है काफ़ी टाइम से, इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज़ें टिप्स पे हैं। आई नो आपको टाइम लगेगा, बट ये नहीं है कि आप छोड़ दोगे इसको, प्रैक्टिस करना हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।